हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये जो वीडियो है ये शाम को आ रहा है, अधिकतर अपने एजुकेशनल वीडियो सारे के सारे सुबह ही आते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज कुछ नॉर्मल सी बातें करने वाले हैं। जैसे कि आज जैसे कि संडे था तो मेरा भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट देन एक स्टूडेंट का मैसेज आया सर आज का वीडियो नहीं आएगा, तो सोचा कुछ तो बनाते हैं, कुछ बातचीत ही करते हैं, जो अपना आगे जिस तरीके शेड्यूल बढ़ाना है उस शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो आज सबसे पहले उसी को स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट के साथ दिक्कत आ रही है, जो कई हद तक मेरे साथ भी रहता है, बिकॉज मेरा तो शेड्यूल लगभग फिक्स रहता था पढ़ाने का, अभी वो सारा का सारा नहीं चल पा रहा, तो जिस तरीके से भी आपको यूट्यूब के माध्यम से बाकी तरीकों से साथ में हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो इस समय है टाइम मैनेजमेंट की। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। भाई सुबह क्या होता है, नींद देर से खुलती है, फिर पूरा दिन का कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। अब भाई कहना भी सही है कि सर जो शेड्यूल चला आ रहा था अभी तक, वो शेड्यूल तो हमारा ब्रेक हो चुका है, तो अभी कैसे वापस शेड्यूल पे आए। एग्जाम भी उम्मीद ये है कि पोस्टपोन हो जाए, तो क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो देखो यार, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप केवल वही पढ़ाई करें जो आपकी बुक्स में है या जो आपके एग्जाम के सिलेबस में आने वाला है, राइट। जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम होने हैं, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये श्योर है उनके एग्जाम होंगे और उसका रिजल्ट भी प्रॉपर आना है, तो उन्हें तो पढ़ाई करनी और अभी से करना स्टार्ट कर देना है। तो वहां पर आपको गैप लेने की कोई भी नीड नहीं है। बस जिनके एग्जाम नहीं होने हैं, जो केवल कम्पिटिटिव एग्जाम ही दे रहे थे, उनके बारे में बात करूंगा, लगभग सब चीजों की बात होने वाली है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये एक रियलिटी है कि हम सभी का टाइम टेबल ब्रेक हो चुका है, राइट, इंक्लूडिंग मी, सभी का टाइम टेबल ब्रेक हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को उस टाइम टेबल पे वापस आना होगा। अगर आप 100% नहीं आ सकते हैं, फिर भी एक नया टाइम टेबल आप अरेंज करके रख लीजिए, नया टाइम टेबल बना लीजिए, उसको कहीं बोर्ड पे या पेपर पे लिख लीजिए, उस पर देख लें कि आप अभी के अकॉर्डिंग क्या क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये बात श्योर है, आप पूरे दिन पढ़ाई नहीं करेंगे जिस तरीके से आप पहले पढ़ा करते थे, बिकॉज रियलिटी आपके सामने है, एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, वैकेंसीज कम आएंगी, सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। जिनके एग्जाम प्रॉपर होने वाले थे यूनिवर्सिटी के, ग्रेजुएशन के, वो भी लेट होंगे, तो एक नया शेड्यूल बनाइए। उस शेड्यूल पे क्या करिए, वो सारी की सारी बातें लिखिए जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक चीजें नहीं लिखनी है, वही लिखें जो आप लोग फॉलो कर पाए और उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। पढ़ाई की बात आती है तो अगर आपका पूरा पूरा मन उस पढ़ाई पर नहीं लग रहा है जो आप शेड्यूल के साथ पहले पढ़ाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करें, राइट। अभी का टाइम जो है बिल्कुल फ्री टाइम मिला है, तो ये समझ ले कि आपको एक ऐसा गोल्डन टाइम मिला जो दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर आपके कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको आपको कंप्लीट करना था, जैसे कि मुझे आदत है बुक्स पढ़ने की और मैं यूजुअली सेल्फ इंप्रूवमेंट या बिजनेस रिलेटेड कई सारी बुक्स पढ़ता रहता हूं, तो अगर वो कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आप लोगों ने पहले से कलेक्ट करके रखी हैं, नहीं पढ़ी, चाहे वो एंटरटेनिंग हो, नॉवेल्स हो, कुछ भी हो, उनको पढ़ डालिए, क्योंकि बार बार टाइम नहीं मिलेगा, राइट। एक बहुत ही अच्छा टाइम है जिसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हो, प्रोजेक्ट्स इन द सेंस, जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो खुद पढ़ाते भी हैं, ठीक है, तो उनके पास भी ये मौका है कि जो आप दूसरों को पढ़ाते हैं आप उसको और रिफ्रेश कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को एड ऑन कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। बिकॉज जब आप अपने नॉर्मल वर्क पे रहते हैं तो सारे के सारे काम नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर तो इतनी भागदौड़ रहेगी कि सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, और ये समझिए कि ये जो माइनर अपग्रेडेशंस होंगे जो आप इस टाइम पे कर लेंगे, ये आपके लाइफ पर मेजर इफेक्ट डालने वाले हैं। रिमेंबर, जीनियस इज ओनली 1% टैलेंट एंड रेस्ट 99% इज हार्ड वर्क। और ये समझिए जो 99% हार्ड वर्क का है ना, ये सारा का सारा आपके पास है। उसके लिए करना क्या है, शेड्यूल बनाइए, वापस से नया शेड्यूल बनाइए, उन चीजों के अकॉर्डिंग बनाइए जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स पढ़िए, बुक्स आपको ग्रोथ में जो हेल्प करेंगे उससे ज्यादा हेल्प आपको कहीं से भी नहीं होने वाली, कैसी भी बुक्स हो। नॉवेल्स भी पढ़िए, वहां से भी आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। इंग्लिश बेस्ड नॉवेल पढ़ने को स्टार्ट करिए हिंदी के कंपैरिजन पे, ठीक। हिंदी पढ़िए, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंग्लिश जब पढ़ेंगे ना, इवन आप अगर चेतन भगत जैसी भी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा फैन में नहीं हूं उन चीजों का, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ड्स का आइडिया होता है, आप एक झोंके में काफी सारी चीजें पढ़ जाते हैं जो कि आपको कई सारे नए वर्ड्स देंगी, एक नया पर्सपेक्टिव देंगी, राइट। तो काफी सारी चीजें आपको सोचने को मिलेंगी, ठीक। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उन सारे के सारे काम को करिए, जो पेंडिंग वर्क है उनको भी कर डालिए, इससे अच्छा टाइम आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब अपनी क्लासेस के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो क्लासेस रन कर रहे थे, काफी सारी चीजें मैं आपको बता रहा था, तो वहां पर सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैंने ये परसेंटेज की सीरीज पढ़ाई थी, काफी चीजें मैंने बताई और काफी कुछ बताना भी बाकी है। ऐसा नहीं परसेंटेज खत्म हो गया, इसको मैं कई टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। अभी जैसे बैंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी जानने, क्योंकि मैंने अभी बेसिक बेसिक बताया है। तो यहाँ पर डियर मैं क्या सोच रहा था कि सारे टॉपिक्स हैं अपने पास, दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं इसी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, जैसे परसेंटेज पढ़ाने में हम लोग काफी टाइम लगा,
ठीक है, ऐसे ही बाकियों को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या थोड़ा इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज्यादा उठाया जाए। ठीक, ये आप लोग सजेस्ट करें, आप लोग कैसे पढ़ना चाहेंगे। अदरवाइज मेरे माइंड पे एक बेसिक फ्रेम तो है ही कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो आप लोग भी जरा इस पर हेल्प करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। एक सीक्वेंस पे लेके ही चलना है। ठीक है, एडवांस मैथ्स की जहां तक बात आती है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियोस ऐसे जरूर बना दिया करूं जो एडवांस मैथ्स पर बेस्ड हुआ करे, और उसके लिए मैं आपका टाइम वो कट करने की नहीं सोच रहा हूँ जो आपके क्लास का टाइम हो, आपको कुछ एडिशनल चीजें ही मिल जाए। तो एडवांस पर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहे हम लोग, तो काफी सारी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने जेन्युइन कमेंट्स आप नीचे डालें, उनको मैं पढ़ूंगा जरूर, सारे के सारे मैं पढ़ता हूँ। और कल से वापस से अपने वीडियो स्टार्ट होंगे, आज संडे था तो वो वीडियो मैंने नहीं शूट करा, वो नहीं बनाया, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस करना क्या है, लगातार लगे रहना है। क्योंकि रुक गए ना, अगर इस टाइम को वेस्ट कर दिया, तो ये समझ लो कि ये एक ऐसा टाइम है जिसको आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इसी टाइम पे आप कई लोगों से बहुत आगे भी निकल सकते हो, और कई सारे लोग इसी टाइम को सो के भी बर्बाद कर देंगे। तो अपने को उनमें से कभी नहीं बनना है जो इस टाइम को सो के बर्बाद करें, हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना है। मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं खुद पढ़ता रहता हूं, अभी मैंने परसेंटेज वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, पता नहीं कितने बार पढ़ चुका, फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है। और जितने बार कोई चीजें पढ़ता हूं ना, बहुत सारी नई नई चीजें ऐसी मिलती हैं जो कभी सोची भी नहीं होती हैं, बहुत नई चीजें मिलती हैं। इसी तरीके से आप भी लगातार इंप्रूवमेंट्स को ला सकते हैं। इंप्रूवमेंट कई तरीकों के हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो, कई सारी ऐसी चीजें जो आपने कभी सीखी नहीं, यूट्यूब पे आप रहते हैं, यूट्यूब ज्ञान का भंडार है यार, मैंने पता नहीं कितनी चीजें यूट्यूब से सीखी हैं, लगभग सब कुछ है यूट्यूब पे, बस सर्च मारे। ठीक, तो अभी इस वीडियो का मोटिव क्या था, मोटिव था आपको ये बताना किस तरीके से काम करना है। आप खुद समझदार हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं, शेड्यूल ऐसे बनाओ, इस तरीके से काम करना नहीं होने वाला ना, कभी नहीं होता, शेड्यूल हमेशा ब्रेक हो जाता है, लेकिन फिर भी एक शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। कई लोग ऑफिस जाते थे, काम करते थे, क्लास में जाते थे, एक शेड्यूल था ना, कोई नहीं, उसका 50% बना दो, उस पर काम कर जाओ, वो भी काफी हेल्प कर जाएगा, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करो, बताओ किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, जो मेरे दिमाग में है वो तो मैं करूंगा ही, एडिशनल कुछ चीजें जुड़ सकती हैं तो आप लोग बताएं। मैं आपको मिलूंगा अपने कल के वीडियो पर, और मोस्ट प्रोबेबली नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे वहां पर, बाय।